श्री भगवत सिंह जी हिंडाल्को कंपनी में संपूर्ण मशीनरी इटली व जर्मनी में बनी हुई लगी थी। जब इनको इस कार्य में विशेषता प्राप्त हुई तो सन 1972 में हिंडाल्को की सेवा से त्याग पत्र देकर स्वयं का हिंडाल्को की तरह प्लांट लगाने का निश्चय किया। इस प्लांट को बनाने के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बैंक में ऋण के लिए आवेदन किया, जिसमें बैंक गारंटर श्री घनश्याम दास जी बिरला बने, जो इनकी विश्वसनीयता, कार्य कुशलता व ईमानदारी का प्रतीक है। 25 दिसंबर 1936 में श्री अमर सिंह जी के यहाँ ग्राम झुंझुनू में जन्मे श्री भगवत सिंह जी का व्यक्तित्व भी प्रभावी रहा। इनके सुपुत्रों का नाम श्री अभय सिंह जी व श्री अजय सिंह जी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिलानी पब्लिक स्कूल से हुई। ये प्रखर बुद्धि व प्रतिभा के धनी होने के कारण इन्होंने संपूर्ण शिक्षा बिरला जी से छात्रवृत्ति प्राप्त करके पूर्ण की। संपूर्ण विद्यालय शिक्षा के दौरान ये स्कूल के कैप्टन रहे तथा इन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनका बाल्यकाल संघर्ष में व्यतीत हुआ। कठोर संघर्ष व परिश्रम से सन 1964 से 1960 तक कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनकी योग्यता व क्षमता से प्रभावित होकर श्री घनश्याम दास जी बिरला, जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, ने अपने हिंडाल्को प्लांट की रूपरेखा तैयार करने के लिए इन्हें अमेरिका भेजा, जहां इन्होंने बड़ी निपुणता व बारीकी से 6 महीने तक कार्य सीखा। इसके पश्चात इन्होंने अपने अथक प्रयासों से सन 1972 में रोलिंग मिल की स्थापना की। यह हिंदुस्तान की प्रथम रोलिंग मिल बनकर श्रीलंका, दुबई, साउथ अफ्रीका, बर्मा, बांग्लादेश और भारत की प्रसिद्ध एल्यूमिनियम कंपनियां जैसे हिंडाल्को, बाल्को, माल्को को बेचते थे। इस प्रकार श्री भगवत सिंह जी का भारत में उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनकी योग्यता व क्षमता के कारण इन्हें सन 1985 व 1987 में अशोका अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके पास प्लांट बनाने का एकाधिकार था। इन्हें भारत का मैन ऑफ एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। श्री भगवत सिंह जी।